व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, हमारी कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक किताब है जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा संविधान, ये हम लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होता है क्योंकि हम लोगों ने इसको बनाया। हम लोग समझते हैं हमारी एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी में हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फॉलो करके चलते हैं। पर लेकिन जब बात करूं मैं यहाँ पर ट्राइबल एरिया की, जो कि आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं हमारी कंट्री में, अगर उनकी बात की जाए तो उनका देखिए अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। वो किस तरीके से जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी होते हैं, किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, क्या क्या उनके यहाँ पर रिलीजन होते हैं, अलग तरीके के उनके कस्टम और कल्चर्स होते हैं, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके नहीं चलते हैं। उनका खुद का ही एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलग सिस्टम होता है जिसके बेस पर वो अपना काम करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर पंचायत में। हम लोगों ने देखा कि जो हमारी कंट्री में 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, किस तरीके से उनमें इंप्लीमेंट करते हैं। दो लेक्चर ले चुका हूं पंचायत के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, उसमें आप लोगों का पंचायत नॉर्मल एरिया में हमारा कंप्लीट हो चुका है। लिंक आप लोगों को सारे वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ट्राइबल एरिया की। देखिए, पंचायत नॉर्मल एरिया में, स्टेट तो नॉर्मल एरिया में तो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब ट्राइबल लोगों में, यहाँ पर आप लोग देखेंगे किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर पंचायत को ज्यादा पावर दे रखी है एज कम्पेयर टू जो हम नॉर्मल एरिया में पंचायत को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सारी जो ज्यादा पावर यहाँ पर दे रखी है उसी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक्ट बनाया गया था जिसके तहत यहाँ पर पंचायत को ज्यादा पावर दी गई थी जो ट्राइबल पीपल है। क्यों? क्योंकि देखिए, इनका सिस्टम, इनका काम करने का तरीका, रहने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है। तो हमारे द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन अगर इनके ऊपर थोपे जाए तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया ताकि अपने हिसाब से चीजों को ढाल सके। तो पंचायत में जो पावर दी गई ग्राउंड लेवल पे, वहां पर सारी पावर इनके हाथ में दे रखी है मैक्सिमम, ताकि अपने हिसाब से अपने आप को रूल कर सके, अपने हिसाब से अपने आप को गाइड कर सके। तो इस तरीके कुछ यहाँ पर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बात करते हैं यहां पर, ये एक्ट है काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। एक्ट का नाम है पीसा एक्ट 1996। पीसा को अगर मैं थोड़ा सा यहां पर तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहां पर इसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ पंचायत, ठीक है ना, एक्ट 1960, या फिर प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ये भी इसको बोलते हैं एक्ट 1996, या फिर पीसा एक्ट, या फिर एक्सटेंशन एक्ट। मतलब क्या है, देखिए, जो पंचायती एरिया हमारा था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट दो लेक्चरों में, उस पंचायत को किस तरीके से एक्सटेंशन किया जा सकता है, जो शेड्यूल्ड एरिया है इनमें किस तरीके से हम इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहां पर डिस्कशन किया जा रहा है। ओके, तो मतलब जो पंचायती सिस्टम है, किस तरीके से हम लोग यहां पर, जो हमारी कंट्री में ट्राइबल लोग रहते हैं, जो हमारे यहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, किस तरीके से हम उनके ऊपर पंचायत को, सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो बातें यहां पर बताई गई है। अगर मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया यहां पर देना चाहूं, हमारी कंट्री में लगभग हमारी पॉपुलेशन का 8.6% हमारे यहां पर ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, और लगभग अगर आप लोग इनको काउंट करेंगे तो 104 मिलियन लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो सेंसस हमारी कंट्री में आया था, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 8.5% हमारे यहां पर ये ट्राइबल लोग पाए जाते हैं या फिर आदिवासी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और इन ट्राइबल लोगों में, आदिवासी लोगों में अगर आप लोग देखेंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से ही भील जो है वो सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी हमारी कंट्री में पाई जाती है। भील जो अगर इसको काउंट करेंगे आप लोग तो ये लगभग आप लोगों को 37.7% देखने को मिलेगी, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, इतने ज्यादा नंबर है इनको याद मत रखिएगा, पर परसेंटेज जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये है यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन, ये भील की बात की जा रही है। इसी तरीके से गोंड, ये सेकंड यहाँ पर ट्राइबल, जो लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में ये है, और इसकी पॉपुलेशन अकबर लगभग 35.6% देखने को मिलेगी। अगर इन दोनों का मैं आप लोगों को मिला दूं तो लगभग 70% से ज्यादा पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलती है इन दो ट्राइब्स की। ओके, तो ये दो याद रखिएगा, दो लार्जेस्ट ट्राइब हमारी कंट्री की है। अब जब लार्जेस्ट ट्राइब है तो आप लोगों को थोड़ा सा ये भी आइडिया होना चाहिए कि किस किस एरिया में ये पाई जाती हैं। अगर बात करूं पहले भील की, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, उनकी परसेंटेज थोड़ा और याद रखिएगा। भील है लगभग आप लोगों यहां पर 37% और यहां पर जो ये गोंड है ये लगभग 35%। तो पहले भील को देख लेते हैं जो कि सबसे बड़ी है, ठीक है। तो जो बड़ी सबसे बड़ी ट्राइब है, इसको अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, दूसरे नंबर पे गुजरात में, तीसरे नंबर पे राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, त्रिपुरा में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ऊपर के तीन स्टेट जरूर याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, मैक्सिमम पॉपुलेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। उसके अलावा फिर इक्का दुक्का छोटी बहुत पॉपुलेशन दूसरे एरिया में देखने को मिलती है, और इसके साथ में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो अगर पाकिस्तान को भी आप लोग मैप में देखना चाहेंगे, ये हो गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो ये वाला पोर्शन होता है खासकर नीचे वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सिंध प्रांत आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ।
तो यहाँ पर भी ये वाली ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है वो यहाँ पर हो गई भील। दूसरी बात करते हैं जो गोंड्स है, गोंड्स लोगों की अगर बात की जाए तो ये भी यहाँ पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, पर दूसरा नंबर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आ गया, वहां पर गुजरात था, यहाँ पर महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग तीन जो है स्टेट जरूर याद रखिएगा जिनमें सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये दो ट्राइब हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरिया है, ये सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाली कम्युनिटी है हमारी कंट्री में। लगभग 70% जो ट्राइब है वो इन दो से, भील से और गोंड से बनती है हमारी कंट्री में, जिसको 8% के लगभग जो हमारी पॉपुलेशन का निकल कर आता है। तो जो हमारी कंट्री का नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये जो नॉर्मल आप लोगों को अगर यहाँ पर देखा जाए जो पंचायत सिस्टम है पार्ट जो 9 यहाँ पर ऐड किया गया था अमेंडमेंट के तहत, ये एप्लीकेबल नहीं होता है फिफ्थ शेड्यूल एरिया, मतलब फिफ्थ शेड्यूल एरिया यहाँ पर आता है जो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं उनसे कनेक्टेड है फिफ्थ शेड्यूल एरिया। तो यहाँ पर पार्लियामेंट को देखिए पावर तो है कि इसको एक्सटेंड कर सकता है, पर लेकिन जानबूझकर यहां पर एक्सटेंड नहीं किया गया है। पार्लियामेंट इसको एक्सटेंड कर सकता है शेड्यूल एरिया तक, पर लेकिन वो चाहती है हमारी पार्लियामेंट भी कि इन पर कोई चीजें इंपोज ना की जाए। और जिस तरीके से नेचुरली रहते हैं, कई बार तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बिना कपड़ों के रहते हैं, तो ये अपने हिसाब से अपने आप को गाइड करके चले और यहां पर जो ज्यादा जो हमारा इंटरफेरेंस है वो ज्यादा देखने को न मिले। अगर बात की जाए 2018 की, तो आज की डेट में 10 स्टेट ऐसे हैं, जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ 2018 में 10 स्टेट ऐसे हैं कि फिफ्थ यहाँ पर शेड्यूल एरिया पाए जाते हैं, मतलब ये 10 स्टेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक बात मैं और बता देता हूँ, देखिए नॉर्मली तो मैं यहाँ पर जो सोर्स लेकर चलता हूँ लक्ष्मीकांत लेकर चलता हूँ, पर कई सारी आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो कई बार स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर ये तो लक्ष्मीकांत में दे ही नहीं रखा है, लक्ष्मीकांत को मैं कवर कर रहा हूं, पर लेकिन जहां पर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगती है तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल देता हूं। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये वाला पोर्शन आप लोगों को लक्ष्मीकांत में नहीं देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्शन भी आप लोगों को लक्ष्मीकांत में नहीं देखने को मिलेगा। तो जहां जहां पर मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा एक्सटेंशन होना चाहिए आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एक्स्ट्रा डाल देता हूं। सारी चीजें बुक्स में मत ढूंढा कीजिए, ठीक है। बाकी का रिविजन करने के लिए आप लोग यहाँ पर लेक्चर देख सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा मतलब उस तरीके से देखिए कि ये नहीं है कि बिल्कुल किताब के हिसाब से आप लोगों को चीजें पढ़ाई जाए सारी, जहां मुझे लगता है एक्स्ट्रा चीजें बतानी है वहां एक्स्ट्रा भी बता देता हूं, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग अपने को समझ के चलिएगा। यहां पे देखिए 10 स्टेट की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया। ये 10 स्टेट आज की डेट में आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर फिफ्थ शेड्यूल वाले एरिया मतलब ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को नॉर्मली ट्राइबल एरिया देखने को मिलता है। तो इसी के हिसाब से हर एक स्टेट ने अपना अपना थोड़ा पोर्शन चेंज कर लिया है कि कल को मान लीजिए ट्राइबल एरिया है तो किस तरीके से वहां पर इंप्लीमेंट करना है। मान लीजिए मध्य प्रदेश का आप लोग जिक्र कर लीजिए, ठीक है, मध्य प्रदेश का क्यों, राजस्थान का जिक्र लेते हैं। राजस्थान में फर्स्ट टाइम यहां पर आप लोगों को पंचायती सिस्टम देखने को मिला। आप लोगों को यह बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पंचायती सिस्टम फर्स्ट टाइम राजस्थान में देखने को मिला, ठीक है। ये मैं बहुत चीख चीख कर आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो राजस्थान में जो फर्स्ट टाइम पंचायती सिस्टम देखने को मिला, मान लीजिए राजस्थान वाला एरिया हो गया, तो राजस्थान वाले एरिया को अगर हम लोग लेकर चले, एक तो हो गया नॉर्मल एरिया, दूसरी साइड में ले लीजिए वो एरिया जहां पर ट्राइबल लोग नहीं रहते हैं। तो जहां पर ट्राइबल लोग नहीं रहते वहां पर तो हम लोग नॉर्मल अपना पंचायती सिस्टम राज जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे, पर जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं वहां पर हम लोग इसको थोड़ा अमेंड करेंगे, उनके हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो अमेंडमेंट ही आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलता है, पीसा एक्ट, ठीक है, 1996। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के, क्यों ये एक्ट बनाया गया, क्या क्या यहाँ पर सोचे थे एक्ट बनाने वाले कि क्या क्या बात हम इंप्लीमेंट करके चलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारा ये पार्ट 9th है, इसको देखिए पंचायत के जो यहाँ पर शेड्यूल एरिया होते हैं, जो हमारे ट्राइबल होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनके हिसाब से इसको मॉडिफाई करना है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। फिर क्या करना है, सेल्फ रूल प्रोवाइड कराना है उनको, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, मतलब हमारे द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन उनकी समझ में नहीं आते हैं, वो उनसे परे हैं, तो इसलिए उनको सेल्फ रूल की बात की गई। विलेज लेवल पर यहाँ पर आप लोगों को पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, वो खुद से अपनी सभा जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर एक पूरी एक्टिविटी इनकी देखने को मिलेगी, तो जो ग्राम सभा होगी उसको पावर दे दी जाएगी। सुटेबल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क जो बनाया जाएगा वो उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जो नाच गाना डांस जो भी वो करके चलते हैं, किस तरीके से शादी करते हैं, किस तरीके से पनिशमेंट देते हैं, उनके हिसाब से वो वर्क करेगा। पूरा सेफगार्ड किया जाएगा, जो ट्रेडिशन होती है, उनके कस्टम्स होते हैं, उनका कुछ भी हनन नहीं किया जाएगा, और इम्पावर किया जाएगा उनकी जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनको, कि वो खुद से अपने लिए पावर कर सके और खुद से अपने लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सारी चीजें डिफाइन कर सके। प्रिवेंट किया जाएगा हायर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको, कि देखिए पावर जो है उनको पंचायत लेवल पर ही दी जाए, और पंचायत लेवल तक जो ग्राउंड लेवल पर ग्राम सभा जो मैंने आप लोगों को समझाई थी, तो ग्राम सभा को पावर दी जाए जिससे कि ये खुद से अपनी चीजों को हैंडल करके चल सके। तो ये थे यहां पर ऑब्जेक्टिव जिसके तहत यहां पर काम किया गया था और अमेंड किया गया था, और ये पीसा एक्ट यहां पर लेकर आए।
अब यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस पीसा एक्ट की। तो पीसा एक्ट की सबसे पहले तो यही है कि जो पंचायत है शेड्यूल एरिया में अगर हमको ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले उनका कस्टमरी लॉ है, जो सोशल प्रैक्टिस है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करके चलते हैं, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, आप लोगों ने देखा कबीले में जो सरदार हुआ करते थे, ठीक है, तो वो खुद से अपने इस कम्युनिटी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, क्या क्या उनके पास में रिसोर्सेज है उस पर फोकस दिया जाएगा। विलेज में देखिए नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, वो अपने अफेयर अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से यहाँ पर मैनेज करेंगे, कोई ऊपर से उनके ऊपर चीजें थोपी नहीं जाएगी। और एवरी ग्राम सभा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, हर एक ग्राम सभा में आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रोल रोल देखने को मिलेगा, जो कि पंचायत लेवल पर यहाँ पर नॉर्मली विलेज लेवल पर चीजें देखने को मिलेगी, मतलब बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल जो पंचायत हमारी होती है इनको भी पंचायती सिस्टम उसी तरीके से इंप्लीमेंट करने को दिया जाएगा। पर लेकिन जो नॉर्मल पंचायत है उसमें आप लोगों ने देखा कई सारी प्रॉब्लम थी, उनको पावर नहीं दे रखी थी, पर यहाँ पर पावर अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है, तो कम से कम इतनी पावर उनको दी जाएगी कि वो अपने ट्रेडिशनल कस्टमर जो ला है, उन कस्टमरी जो ला है उनको प्रोटेक्ट कर सके, कल्चर जो है उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन रख सके, कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं उसके आसपास वाले एरिया में जो पाए जाते हैं जिन पर उनका जीवन निर्वाह करते हैं, मतलब नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगा पेड़ पौधों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। कस्टमरी मोड अगर कोई डिस्प्यूट इनका हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, उसका सोल्यूशन ये आराम से निकाल सके, तो वो सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हर एक ग्राम सभा जो कि ग्राउंड लेवल पर जो देखने को मिलती है वहां पर हर एक को अपना प्लान कैसे बनाना है, प्रोग्राम क्या, प्रोजेक्ट बनाने हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो पावर उन्हीं को ग्राम लेवल पर ही दी जाएगी और वही उसके रेस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पर। उनकी आइडेंटिफिकेशन, बेनिफिशियरी जो करेंगे पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, वो सारे प्रोग्राम वो खुद डिसाइड करेंगे, ना कि हम वहां पर डिसाइड करके उनके ऊपर चिपकाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, वो उनके हिसाब से उनको करना है और अपने हिसाब से उनको इंप्लीमेंट करना है। उनको एक तरीके से इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरीके से बढ़िए, ताकि अगर नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी वहां पर जाएगी तो पता चला इनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, वहां पर करप्शन देखने को मिल रहा है और सारे रिसोर्सेज इधर उधर पहुंचा दिए जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे ऐसे रूल इनके लिए बना रखे, अगर ये हमारी नॉर्मल पार्लियामेंट में और नॉर्मल पंचायत में इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो मजा आ जाए। देखिए क्या बोला है, ग्राम सभा को अगर आप लोग देखेंगे तो ग्राम सभा को मान लीजिए यहां पर पंचायत है, पंचायत को जो फंड अगर मान लीजिए खर्च करना है तो ग्राम सभा से उसको यहां पर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मतलब जो मान लीजिए हम किसी गांव में रहते हैं और हम हजार लोग हैं, हजार लोग मान लीजिए यहां पर हमारे पास में वोटिंग राइट है तो हम ग्राम सभा हो गए, तो मान लीजिए हमारे पंचायत है जो मान लीजिए उसको पैसे खर्च करने हैं, कहीं खड़ंजा बनवाना है, कहीं नल लगवाना है, कुछ भी और रिसोर्सेज बनवाने हैं वहां पर गांव में, तो वो हमसे पहले रेक्टिफाई करा के जाएंगे, उसके बाद में फंड को यहां पर खर्च करेंगे, प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये इतनी पावर यहां पर ग्राम सभा को दे रखी है। रिजर्वेशन देखने को मिलेगा शेड्यूल एरिया में यहां पर पंचायत में, और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहां पर आप लोगों को अच्छे वाली पोस्ट देखने को मिलेगी, मतलब चेयरमैन की पोस्ट देखने को मिलेगी, सब वहां पर ट्राइबल लोग ही मिलेंगे आप लोगों को, नॉर्मल लोग आप लोगों को नहीं मिलेंगे वहां पर। देखिए नॉर्मल सी बात वही है कि इन्हीं को इम्पावर किया जा रहा है कि किस तरीके से अपना वर्क यहां पर कर सकते हैं, तो सारे यहां पर आप लोगों को ट्राइबल लोग ही देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर दूसरा एरिया है कोई, आप लोगों को पता है पहले ग्राम पहले पंचायत लेवल पे होती है, उसके बाद में मंडल पे होती है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट पे होती है, तो जो ग्राम वाली है उसमें तो ये रहना ही रहना है, और जो वहां पर नॉर्मल जनता है, जो वहां पर ग्राम सभा में मान लीजिए जो नॉर्मल जनता वहां पर चुनकर आ रही है कोई, तो उनको यहां पर 1/2 वहां पर उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, और चेयरमैन वाली पोस्ट पे तो सारी यही होने चाहिए, तो वो बात की जा रही है। मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टेट है जहां पर कुछ ट्राइबल कम्युनिटी रह गई है जिसको नॉमिनेट नहीं किया गया और फिर से बाद में उसको नॉमिनेट किया गया, तो 1/10 वहां पर 1/10 जो है उनको वहां पर पोर्शन देखने को मिलेगा, पंचायती सिस्टम में उनको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ग्राम सभा में अगर बात की जाए कंसल्ट किया जाएगा, अगर कहीं पे कोई लैंड एक्वाइजेशन करना है, मान लीजिए कोई लैंड इनको लेनी है यहां पर, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है, या फिर यहां पर बांध वगैरह बनाना है और वहां से दूसरी जगह पर रिहैबिलिटेट करना है, तो उसके लिए भी यहां पर आप लोगों को यहां पर जो परमिशन लेनी पड़ेगी वो ग्राम सभा और पंचायत से लेनी पड़ेगी। इतनी पावर है, अगर इन्होंने मना कर दिया तो वहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। प्लानिंग या मैनेजमेंट करना है, अगर माइनर जो रिसोर्सेज होते हैं वोटर के हो गए, इस तरीके से तो माइनर फॉरेस्ट हो गए, तो उनके लिए भी अगर कुछ भी यहां पर प्रैक्टिस करनी है, माइनर मिनरल रिसोर्सेज हो गए, सारे आप लोग देखते हैं कोयल वगैरह हो गया, आयरन वगैरह हो गया, खासकर आप लोगों को सारे ये ट्राइबल एरिया से ही देखने को मिलते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इनसे जो लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेने से पहले इनकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, अगर ये पास कर देते हैं तो सही है, वरना उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। बाकी कई सारे और भी आप लोगों को ला देखने को मिलते हैं, मान लीजिए इंटॉक्सिकेटिंग का कोई, इंटॉक्सिकेशन का कोई यहां पर ला है कि क्या उसको सेल करना है, मालिए दारू शराब वगैरह सेल करनी है नहीं करनी है, उसके रिलेटेड जो प्रोवेशन करना है मतलब रोकना है अगर, तो वो यही कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए आप लोग शहद वगैरह होते हैं, फल फ्रूट्स होते हैं, उन पे भी इनकी ओनरशिप होती है। इसके अलावा शेड्यूल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए कोई इस तरीके की चीजें पाई जाती है वहां पर
कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी है तो उनको यहाँ पर रोकने के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर एक मेंटेन सिचुएशन रखनी पड़ेगी। मैनेज किया जाता है यहाँ पर मार्केट को, जो छोटी छोटी मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगी, शहद वगैरह बेचा जाता है, फल फ्रूट्स लाकर बेचते हैं, कोई वो खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए लकड़ी से कोई कुछ भी छोटे मोटे प्रोडक्ट अगर बना के लेते हैं, टोकरी वगैरह हो गए, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ये मार्केट वगैरह होगी ये भी खुद ही कंट्रोल करके चलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर बात की जाती है आगे यहाँ पर मनी से रिलेटेड बात की जाती है, इसके अलावा अगर बात की जाती है यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन है आपका खुद का जो फंक्शन ही कर रहा है, या फिर लोकल प्लान अगर बात की जाती है, तो वो सारे भी आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के द्वारा देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा सिक्स शेड्यूल एरिया, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, फिफ्थ शेड्यूल एरिया और सिक्स शेड्यूल एरिया, इन दोनों में आप लोगों में कंपेयर भी करके दिखाऊंगा, इसके लिए एक अलग से लेक्चर लूंगा पूरा शानदार तरीके से, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल पंचायत में हम लोग कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती, ना तो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, ना आज तक जो पंचायत का जो सिस्टम था उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया गया, पर लेकिन यहां पर कितनी ज्यादा पावर दे रखी है और किस तरीके से ये पंचायती सिस्टम वर्क कर रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है जो हमारा नॉर्मल पंचायती सिस्टम है। तो इसके बारे में आप लोगों को पीसा एक्ट के बारे में इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए, यहां पर ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये भी पूछ लेते हैं कि किससे रिलेटेड है ये, तो ट्राइबल लोगों से रिलेटेड होता है नॉर्मली, किस तरीके से जो हमारा शेड्यूल्ड एरिया होता है उसको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करके किस तरीके से हम उसको टैकल करके चल रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया की बात की जाती है यहाँ पर। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर इससे रिलेटेड, आई होप कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चीजों को शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक वगैरह पे, सारे लिंक आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चीजों को शेयर कर दिया कीजिए, ये है फेसबुक का लिंक और ये हो गया यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया, तो सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।